जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली लड़की ने हिंदू बताकर शादी करने वाले मुस्लिम लड़के और परिजनों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला शहर कोतवाली और क्षेत्र के गौस मंडी से जुड़ा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ के 28 साल की एक लड़की से फेसबुक के जरिए मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक गोवर्धन सैनी बनकर दोस्ती की और इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से साल 2020 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी भी कर ली। करीब 1.5 साल बाद जब लड़की को लड़के का बैंक पासबुक हाथ लगा तो उसने उस पर नाम समीर खान देखा। इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हुआ और लड़की ने लड़के पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर मारपीट, धर्म परिवर्तन, गर्भपात समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपी और परिवार समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच अभी जारी है। ये 25 जुलाई को थाना कोतवाली पर एक थाना सिविल लाइन्स बिलासपुर मध्य प्रदेश की एक 28 वर्षीय महिला ने मगहर गोवर्धन सैनिक ग्राम सेमरा मगहर के ऊपर आरोप लगाया कि इनके द्वारा अपना धर्म बदलकर, जिनका मूल नाम समीर खान था, इन्होंने अपना नाम गोवर्धन सैनी करके उसके साथ शादी करी थी और इनके परिजनों के ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था, ताकि गर्भपात कराने का प्रयास किया गया था। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और एक बदमाश के पैर में गोली लगी, साथी फरार है। पिहानी पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी और पुलिस ने आरोपी को रोकने की बहुत कोशिश की। बाद में पुलिस ने भर्ती भी कर दिया अस्पताल में घायल बदमाश को। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। चौराहे पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस की चेकिंग देख करके भाग गए। सूचना यही थी कि इनमें से एक व्यक्ति वो है जो कि चोरी में शामिल था। सभी जगह चेकिंग की गई और उनकी जो है मुठभेड़ पिहानी पुलिस से हो गई। इंस्पेक्टर पिहानी भी चेकिंग कर रहे थे। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।